हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल ऑफ अन अकेडमी। यहां पर आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी। वेल, अन अकेडमी के ऊपर मिलती हैं हमको डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड मैनर में, सारे के सारे कोर्सेज, चाहे वो लाइव क्लासेस हो चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इनका अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल एन नंबर ऑफ टाइम हम ये सारे के सारे वीडियोज, ये सारे के सारे क्विजेस, ये सब हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द अन अकेडमी, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस के साथ साथ हम रिकॉर्डेड वीडियोज और वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के और लिमिटेशन के देख सकते हैं। यस भैया, यस, ये सारी चीजें। टेस्ट एक बार अटेम्प्ट किया, अच्छा नहीं आया तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लो। यस, एन नंबर ऑफ टाइम्स हम ये सारे के सारे टेस्ट कर सकते हैं। बस हमको करना क्या होगा, हमको गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी का जो ये लर्निंग ऐप है, इसे हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना रहेगा। यस, क्योंकि हमको इससे मिलेगी सुविधा लर्न एनीवेयर, लर्न एनी टाइम। बिल्कुल, हम कहीं पर भी किसी भी समय पर पढ़ाई कर सकते हैं अपनी सिविल सर्विसेज की। बिल्कुल भैया, यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ अन अकेडमी। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको मिलेंगे ढेर सारे एजुकेटर्स, जैसे सुदर्शन गुर्जर हो गए, मृणाल पटेल है, रोमन सैनी है, आयु सांगी, आशीष मलिक, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता और मैं भी। मेरा नाम अमित मोदी है। यस, मेरा नाम अमित मोदी है। चार बार मैंने मेंस दिया, दो बार मैंने इंटरव्यू दिया है और 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 12 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ये मेरा अन अकेडमी पर प्रोफाइल है। आप जैसे ही अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, आप इस प्रोफाइल को क्लिक कर लो, फॉलो कर लो इसको, ठीक है। तो जैसे ही मेरे लाइव सेशन आएंगे अन अकेडमी के ऐप के ऊपर, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप उसे अटेंड कर सकते हो। और ये है अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल, अन अकेडमी अंडरस्कोर अमित मोदी। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ, फॉर द इंफॉर्मेशन, वीडियो लेक्चर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके लिए, ठीक है, ये सारी चीजें। सो वेल फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं द पोस्ट मॉडर्न फेज का टॉपिक, द सतवाहंस। सतवाहंस ये एक डायनेस्टी थी जो इमर्ज हुई टेकन इंडिया में समथिंग अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। हमने मौर्यन एम्पायर में पढ़ा था कि राइट फ्रॉम द कश्मीर रीजन, तक्षशिला से लेकर के सदर्न पार्ट तक पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर, मौर्यन किंगडम था। लेकिन जैसे ही अशोक की डेथ होती है, मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके बाद वेरियस रीजनल प्रोविंसेस, वेरियस रीजनल किंगडम्स, ये सब डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हमने देखा नॉर्थ में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, फिर वासुदेव कण्व ने कण्व डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, फिर ग्रीक्स, फिर आए साइथियंस, पार्थियंस, कुशांस, इन लोगों ने नॉर्थ वेस्ट में इनरोड्स किए, इन्वेड किया और अपनी अपनी एम्पायर स्टैब्लिश करी। यस, अप टू द विंध्याचल रेंज। लेकिन उसके साउथ में क्या, उसके साउथ में कोई भी एम्पायर स्टैब्लिश नहीं हुई। फिर स्टार्ट हुआ सतवाहंस का रूल। सतवाहंस, यस, ये लोकल इनहेबिटेंट्स थे, वहीं के ट्राइब्स थे और ये बाद में रूरल में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद डीप साउथ का हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे कल, ठीक है। ये चीज हम इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं अपना। और यहाँ पर हमने जैसे कहा कॉम्प्रिहेंसिवली हम सारा टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेंगे। यस नवीन, इट इज यूजफुल फॉर 2021 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बिल्कुल, एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे, ढेर सारे। हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटिकल गवर्नेंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया और ऑप्शनल कोर्सेज, आंसर राइटिंग कोर्सेज, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, कॉम्प्रिहेंसिवली यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन के लिए। वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड बेनिफिट, हमको इस सब के लिए सब्सक्राइब करना रहेगा। एक सब्सक्रिप्शन, एक बार आपने सब्सक्राइब किया, आपको मिलेगा ढेर सारा कंटेंट घर बैठे। यस, घर बैठे, लाइव फ्रॉम होम, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठकर के पढ़ाई कर सकते हो। 100% सिलेबस कवर हो गया, स्टडी मटेरियल अपने पास आ गया, अनलिमिटेड एक्सेस हर वीडियो के मिल गए, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गए, आंसर राइटिंग सेशंस हो गए और टॉप एजुकेटर्स से हम पढ़ भी लिए। यस, है ना, टेस्ट भी दे दिए और कहीं दिक्कत आई तो मेंटरशिप भी मिलती। अब भैया, इसके अलावा हमको और क्या चाहिए, इसके अलावा हमको और क्या चाहिए। और ये सारी चीजें हैं सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए हमको मिल रही हैं और वो भी घर बैठे, हम हमारे कंफर्ट जोन में पढ़ सकते हैं। यस, और वो भी काफी रीजनेबल प्राइस में, जस्ट 44,000 रुपीज पर मंथ, पर एनम। यस, 3,000 रुपया, 3,000 रुपीज, 667 पर मंथ। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और उसमें भी रेफरल कोड अमित मोदी आपने यूज किया,
अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते ही 10% का डिस्काउंट 39,600। प्रीलिम्स भी कवर हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, ऑप्शनल भी हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, स्टडी मटेरियल हो गया, सब कुछ कवर हो गया अपना, एवरीथिंग। ये 64,000 टू ईयर के लिए। जो बच्चे 2022 दे रहे हैं वो टू ईयर का प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। ये डेट टू डेट वैलिडिटी रहती है। अभी अक्टूबर का मंथ, अक्टूबर 2022 तक वैलिड रहेगा, ये 21 तक वैलिड रहेगा। यस, फॉर 2021 बच्चे इसके लिए जा सकते हैं, 2021 वाले ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी क्वाइट चीप। EMI options भी available है, बिल्कुल हम 6, 12, 24 month के EMI options भी opt कर सकते हैं, as per our convenience। अमित मोदी referral code use करते हैं 57,600। ये चीज क्या, जितने भी offline coaching से उन सब से 1/4 fees है, जितने भी offline coaching से पूरे इंडिया में उससे 1/4 fees है, और quality 400% ज्यादा है। quality 400% ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं, वो सब मिल करके आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाते हैं। अब सर ये तो हम यूट्यूब पे ही पढ़ लेंगे, प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों ले? यस बेटा, मैंने क्या कहा था आपको कि जितने भी ढेर सारे एजुकेटर्स हैं सब मिलके आपको पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक का एक्सपर्ट एजुकेटर आपको पढ़ाता है, लेकिन वो हर एक्सपर्ट एजुकेटर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होता बेटा, इसीलिए हमको सब्सक्राइब करना रहता है, ठीक है। एक और सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर्सनल कोच आपको मिलेगा। यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, 64,000 फी स्ट्रक्चर है 1 ईयर कोर्स का, और 99,000 फी स्ट्रक्चर है 24 मंथ्स का। डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते हो, 57,600 फीस हो जाएगी 1 ईयर की, और 89,000 फीस हो जाएगी 2 ईयर की, रेफरल कोड अमित मोदी यूज करने के बाद। सर अंतर क्या है? अंतर ये है भैया, ये है एक मेंटरशिप प्रोग्राम। यस, अगर आप एकदम से बिगिनर हो, अभी बिगिन कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। आपके पास टाइम है, बिल्कुल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर आप टाइम डिवोट कर सकते हो, तो आप गो विद द 2 ईयर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक गाइड मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक स्टडी प्लान आपका तैयार होगा, एक आपका पर्सनलाइज फीडबैक डेली आपको दिया जाएगा, स्टडी प्लान आपका तैयार होगा, कितने आवर्स पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कितने कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को डील करना है, कोई डाउट भी आता है तो भी आपको पूरा का पूरा असिस्टेंस मिलेगा यहाँ पर। और क्या चाहिए यार, बिलो 1 लाख ये हमारे को मिल गया 89,100 में, है ना। यस, इसके लिए हमको 1.75 से 2 लाख तक स्पेंड करने होते हैं ऑफलाइन कोचिंग में। प्रीलिम्स भी कवर हो गया, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ कवर हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड माई डियर फ्रेंड्स, फीस हाइक होने वाली है, 20 अक्टूबर इज अ डेडलाइन। 20 अक्टूबर के बाद ये फीस बढ़ जाएगी। अगर आप लेना चाहते हो तो उससे पहले पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इजी ऑप्शंस अवेलेबल है, ईएमआई ऑप्शंस आर अवेलेबल, ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेशल क्लासेस हम लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ये स्पेशल क्लास का एक सीरीज चल रहा है एमसीक्यूज का, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक के ऊपर। रोज 10:30 बजे क्लास होती है, डेली 10:30 बजे क्लास होती है, ये आप इसे देख सकते हैं। 13th सीरीज है, 13th पार्ट है। आज हम यहाँ पर डील करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। फ्री है, एकदम फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अनअकैडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन पर, और मेरा नाम सर्च करके आपको आ जाना है क्लास के अंदर। ये है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपको ये कोर्स, मेरे ये सारे कोर्सेज और ढेर सारे और एजुकेटर्स के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे एक सब्सक्रिप्शन से। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अनअकैडमी 2021 2022। और हम लोग देर से डील कर रहे हैं सतवाहन स्पेस, और हम वेलकम करते हैं, वेलकम वेलकम, वेरी गुड सारा, वेरी गुड, ठीक है। नाउ यू कैन फील द डिफरेंस, आप देख सकते हो यहाँ पर कंपेयर करके, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, वेलकम नवीन। यस सर, इट इज यूजफुल नवीन गौतम, इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर 2021 प्रीलिम्स। यस, वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम, कैसे हैं आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द सतवाहन फेस। सतवाहंस जो है, इन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टेक्कन इंडिया में इनका रूल है, दिस इज द रूल। यस, एज फार एज द नॉर्थ में जो बाउंड्री है, दैट इज द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर इनका बाउंड्री है, और साउथ में आप देख सकते हो कृष्णा रिवर इसका बाउंड्री है साउथ में। इस यहाँ पर इस फेस में सतवाहंस ने रूल किया, सतवाहंस और द आंध्रास, सतवाहन और दी आंध्रास, इनके बारे में मेंशन है पुराण में, ठीक है, इनके बारे में मेंशन है
पुरांस मैराथन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो मैराथन सेशन है वो होगा सैटरडे 4:30 बजे, 4:30 PM। वेलकम वेलकम निशांत, वेलकम। ओके यस, डेक्कन जो है यहाँ पर, डेक्कन इंडिया, यस, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो रीजन है इसे हम लोग डेक्कन इंडिया बोलते हैं। यस, ये जैसे ये हमारे इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, इसमें एक पार्ट है जिसको हम डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। दिस इज द डेक्कन प्लेटो, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द ईस्टर्न घाट्स, सॉरी, इट इज सराउंडेड बाय द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्टर्न पार्ट, द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्टर्न रीजन, और टिप यहां पर है, इसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। इस पूरे रीजन को बोलते हैं डेक्कन प्लेटो। ओके, तो इस रीजन में जो है रूल किया सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन प्लेटो रूल किया सातवाहन ने आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, लगभग लगभग 100 साल के गैप के बाद में ये एम्पायर यहाँ पर स्टैब्लिश हुई सातवाहन। सेटलमेंट जो है जब यहाँ पर स्टडी किए गए तो इट हैज बीन फाउंड कि इस रीजन में हमको बड़े बड़े मेघालित स्ट्रक्चर्स मिले हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, जब हमने महाजनपद रीजन देखा था तो इस रीजन में हमको एक प्रोविंस मिलता है, एक महाजनपद मिलती है जिसका नाम था असमक। ठीक है, असमक इस रीजन का नाम था, इस महाजनपद का नाम था। ये धीरे धीरे, ये ट्राइबल असेंबली थी, ये धीरे 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 ट्राइब्स जो थे ये स्प्रेड आउट होना शुरू हो गए। व्हेन द मौर्यन केम इनटू द पावर तो उनके सब्सिडरी बन गए। ठीक है, यस, उनके अंडर में आ गए मौर्यस के। और जैसे मौर्यस हटे, जैसे मौर्यस का जो स्ट्रॉन्ग सक्सेसर था अशोक, स्ट्रॉन्ग रूलर था अशोक, वो जैसे ही हटा वैसे भैया इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। नाउ इट हैज बीन सेड दैट कि आयरन प्लोशियर, पैडी प्लांटेशन और अर्बनाइजेशन और राइटिंग स्किल्स जब यहाँ पर डेवलप हुआ तब स्टेट फॉर्मेशन का जो कंडीशन था वो कंड्यूसिव हो गया इन द सातवाहन्स। सातवाहन्स के जितने भी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें ये भी बताते हैं कि कन्वास, यस, उज्जैन या विदिशा रीजन में जो कन्व रूलर रूल किया करते थे उनका और इनके बीच में जो है काफी ज्यादा बैटल और वॉर भी हुआ। नाउ इट हैज बीन सेड दैट द सातवाहन डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिस्टर सिमुका, यस, सिमुका, और ये उस ट्राइबल रीजन के लॉर्ड थे। इनको ब्राह्मनाइज किया गया, और ये कहा गया कि ये जो एम्पायर है यहाँ पर सातवाहन एम्पायर एस्टैब्लिश हुई, सातवाहन्स, दीस वर द ब्राह्मण्स, यस, द एम्पायर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्राह्मण्स, दैट इज द सातवाहन्स। ये चीजें जो है ये हमको इनके इंस्क्रिप्शन से मिलती है, वो इंस्क्रिप्शन जो हमको इनके एम्पायर में मिले, जैसे नासिक इंस्क्रिप्शन, पुणे में नानाघाट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, सांची इंस्क्रिप्शन, किंग खारवेल के टाइम की कंटेम्प्ररी है कलिंग में, तो इनका जिक्र हमको वहां से भी मिलता है। वहां से हमने ये सारे की सारे हिस्ट्री को रीस्टैब्लिश किया। दे वर द पैटर्निज्म, पैटर्नाइज्ड ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। इन्हीं के टाइम पर कार्ले केव्स, अमरावती आर्ट, नागार्जुन कोंडा, यस, जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, अजंता, एलोरा केव्स में भी कुछ केव्स बनाए गए, अजंता में भी कुछ केव्स बनाए गए, उस टाइम पर ये सब स्प्रेड हुआ यहाँ पर। ग्रेजुअली सातवाहन्स ने अपने इस रीजन से रूल एक्सपेंड किया कर्नाटका एंड आंध्रा रीजन में। बस इनका एक ही एनिमी था उस टाइम पर, एंड दैट वर दी शक्स, एंड स्पेशली द शक्स ऑफ द गुजरात, रुद्रदामन वन। इस फैमिली को, जैसे मैंने कहा कि जो फाउंडर थे दैट वॉज द सिमुक, ये फाउंडर थे, सिमुक को फॉलो किया कृष्णा ने, सिमुक जो थे इनको फॉलो किया कृष्णा ने, और कृष्णा के बाद सतकर्णी वन में कृष्णा ये रूलर बने, उसके बाद सतकर्णी वन में, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, सतकर्णी वन ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पर जो रूलर आया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था, मोस्ट पावरफुल रूलर था, दैट वॉज द गौतमी पुत्र सतकर्णी। 106 AD में इनका कोरोनेशन होता है और लगभग 24 ईयर्स ये रूल करते हैं। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है अपने आप को ब्राह्मण्स बोलते हैं, ब्राह्मण्स, यस, मैंने क्या कहा कि डायनेस्टी है क्या, डायनेस्टी ब्राह्मण्स की है। ठीक है, यस, ये डायनेस्टी ब्राह्मण्स ने एस्टैब्लिश करी। नाउ यहां पर क्या होता है, यहां पर ये डिफीटेड द मोस्ट ऑफ द क्षत्रिय रूलर्स ऑफ द रीजन। बिल्कुल, जितने भी रूलर्स थे इस रीजन में, जो क्षत्रियास थे, क्षत्रप्स थे, स्पेशली रुद्रदामन, इन सबको ये जो है डिफीट कर देते हैं, एंड दे ऑक्यूपाइड मालवा एंड द काठियावाड़ रीजन। ओके, ये कि जितने भी सक्सेसर्स थे दे रूल्ड अप टू 228 AD, और उसके बाद ये एम्पायर सडनली डिक्लाइन कर जाता है। क्या होता है, ये एम्पायर सडनली डिक्लाइन कर जाती है। नाउ यहां पर हमको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, क्या वर्ड देखने को मिल रहा है, गौतमी पुत्र। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि ये जो है
इट इज अ पुत्र ऑफ गौतमी, यानी कि गौतमी के बेटे हैं। यहां से विड्रॉ हुआ कि यहां पर मैट्रीमोनियल, यस मैट्री सॉरी 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 मैट्रीलिनियल जो है यहाँ पर ये सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई, मीन्स मैट्रियार्कल, भैया पैट्रियार्कल होती है ना, और यहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया इन द रूल ऑफ द सतवाहन। यस, मदर को ज्यादा जो है ये वेटेज दिया गया, उन्हीं के नाम को ये अपने आगे लगाते हैं। विशिष्टि विशिष्टि पुत्र वशिष्ठि पुत्र कुलमयी, ये सेकेंड ग्रेट रूलर है ना। सत्कर्णी जो है यजनश्री सत्कर्णी, ये लास्ट रूलर थे, लास्ट प्रोमिनेंट रूलर। जो हमको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं सक्सेसर जो इनका बेटा था वशिष्ठी पुत्र पुलमयी, हमको ये भी देखने को मिला है कि इन्होंने इस रीजन में एक्सपेंशन किया, आंध्र रीजन में, और इस पूरे पार्ट को स्ट्रांगली होल्ड किया, अपना कैपिटल बनाया पाटन को, पाटन पैठान को। पैठान जो है इसका नाम था पुराना प्रतिष्ठान, और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये चीज ठीक है। ओके सर, फॉर प्री एंड मेंस बेस क्वेश्चन। ओके माय डियर लर्नर्स, आपके ये कमेंट्स मैंने पढ़े अभी। ठीक है सर, मैं 10 पे आया, कुछ मिस हुआ नहीं बेटा, अभी तक तो कुछ भी मिस नहीं हुआ। ठीक है, आई एम जस्ट रीडिंग द कमेंट्स ऑफ माय ग्रेट लर्नर्स, जिन्होंने लर्नर्स ने ये कमेंट्स दिए हैं, कैसे पढ़ाना है आपको, कैसे पढ़ना है आपको। अच्छा ओके कुणाल, मैं सेम हियर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट इन विच टॉपिक आई शुड मेक नोट्स। ओके, इन विच मेन से रिलेटेड है ना सर दिस? हाँ बेटा कुणाल, दिस इज द ऑल्सो रिलेटेड टू द मेन्स। ठीक है, यस सर, इस सतवाहन फेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस बेटा, इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी अगर इस बार का पेपर देखोगे, 2020 में जो यूपीएससी में पेपर आया है सिविल सर्विस प्रीलिम्स का, एंशियंट हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। यस, और वो भी टर्मिनोलॉजी बेस्ड, और हम तो सिंपल एक एनसीईआरटी का बुक डील कर रहे हैं जो आर एस शर्मा ने लिखा है ना। ये आर एस शर्मा का जो बुक चलता है हम उसे डील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे हैं इसके अंदर, है ना। हिस्ट्री तो सभी की वीक होती है अतुल, सभी की वीक होती है। ठीक है, ये पार्ट तो वेल फ्रेंड सर, स्टिल नो आइडिया व्हाई एन एकेडमी इज मेकिंग हिंदी क्लासेस रियली अनोइंग। नो बेटा, फॉर द हिंदी स्पीकिंग पीपल एंड द हिंदी अंडरस्टैंडिंग पीपल। ठीक है, यस इट इज वेरी गुड, अ वेरी नॉबल इनिशिएटिव। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बेटा अंग्रेजी ही सब कुछ हो, इंग्लिश ही एवरीथिंग सब कुछ हो। ठीक है, यस ओके माइकल, है ना। इट इज सर ऑल एक्यूरेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर एस शर्मा, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच सारा, है ना। ये चीज है ना, यस नोट्स आप लोग बेटा वीडियो दो तीन बार देखो पहले, सबसे पहले मैं आपको अभी भी ये सजेस्ट करूंगा कि वीडियो आप दो तीन बार देखो, और उसके बाद में फिर आप पीडीएफ से नोट्स बनाना। अभी क्या होगा, जब आपके पास पीडीएफ अगर अभी अवेलेबल हो जाएंगे तो आप उन्हीं को रट लोगे, उनको याद कर लोगे, बेसिकली वो शॉर्ट्स हैं। यस, शॉर्ट नोट्स टाइप में है पीडीएफ, ये पूरा का पूरा ऐसे बुक में वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन नहीं लिखा हुआ है। वेलकम वेलकम अनुराग, वेलकम, कैसे हो बेटा? यस यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। अरे बहुत दिन चलेगा, अभी तो चलने वाला है कुणाल, कुणाल दबा दे, बिल्कुल बहुत दिन चलेगा ये क्लास तो, है ना। आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, पहले भी पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, देखो है ना ये चीज बिल्कुल। तो पैठान ये इनका कैपिटल था, तो ये ध्यान रखना भैया, प्रतिष्ठान इट वाज अ कैपिटल। भैया पैठान जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर मैप में देखो ये जो पूरा कोस्टल रीजन है, यस, और ये जो ईस्टर्न पार्ट का कोस्टल रीजन है, दिस वॉज अंडर द सतवाहन, और यहाँ से कोस्टल ट्रेड, जब हम लोग यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लाइफ पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि भैया यहाँ पर ये कोस्टल ट्रेड काफी ज्यादा इमर्ज हुआ, बहुत सारे पोर्ट्स, यस बहुत सारे पोर्ट्स यहाँ पर स्टैब्लिश किए गए। ठीक है, ट्रेडिंग रिलेशंस काफी अच्छे स्टैब्लिश हुए विद अरब्स, विद द सेंट्रल एशिया। ठीक है, और यहाँ से साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ भी इन्होंने अपने ढेर सारे जो है ट्रेडिंग रिलेशंस स्टैब्लिश किए। वेल फ्रेंड्स, वशिष्ठिपुत्र पुलमयी ही वाज द सेकंड पर्सन, और यहाँ पर रुद्रदामन जो है इट वाज अ अर्जेंट एनिमी। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि रुद्रदामन जो है ही वाज अ शक रूलर ऑफ गुजरात, शक रूलर ऑफ गुजरात हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये। ठीक है, एंड ही वॉज द वेरी अर्डेंट एनिमी ऑफ द सतवाहंस, ये लोग खूब आपस में अटैक करते थे। ऐसा कहा भी जाता है कि इन्होंने सतवाहंस को दो बार हराया, लेकिन चूंकि मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे इसीलिए फॉर दैट पर्पस ओनली
he didn't annex the empire. Okay, the last great king of this dynasty was Yajnashri Satkarni, Raj dynasty, or in a Konkan or Malwa region, which is Sakko, jo hai, removed kiya. Now, Satvahan jitne bhi the, the Satvahan rulers, they were the highest patron. Okay, yes, beta, western side, bahut acche hai, harbors ke liye, due to its estuaries and not the deltas, natural seaport, ye provide karte hai. Okay, ye chiz. Now these were the patrons. Patrons means they patronized the various trade and the navigations. Because coins appear. Satvahans, they were the first person to issue the lead coins. The coins made up of cotton. Okay, yes, the coins made up of the cotton. Okay, and the first ruler, jinke coins per ship ka symbol dekhne ko mila hai. Now this shows ki overseas trade unke kafi zyada tha. They were very much enthusiastic about the navigation and the overseas trade. Okay, ye cheez. Now the successors of the Yajnaki Satkarni, jo bhi successors the inke, they were not able to hold the empire against the various invasions, aur unka downfall hota hai in the year 220 AD. And this region mein the Chalukyas, they took place. Yes, of these Satvahans. Okay, with the pehle Ikshvakus aaye, and then uske baad mein Chalukyas of Badami, Kalyani and various other rulers. ठीक है? और फिर राष्ट्रकूटास इन्होंने rule किया. वो subsequent time में थे. इसके बाद का. वो भी हम लोग हमारी पूरी history में deal करेंगे. ना? सतवाहन rulers जो थे. They strove to the royal ideal. बिल्कुल. हम administration देख रहे हैं. हमने political जो genealogy था वो हमने पूरा complete कर लिया है. ठीक है? Yes. ये Brahmins थे. तो इन्होंने धर्म शास्त्र को follow किया. धर्म शास्त्र को पूरी तरीके से फॉलो किया, because these rulers they called themselves as Brahmins. Brahmins. अब आप ये देखो भैया, ये Brahmins क्यों बोलते हैं? हमको ऐसा, हमने क्या पढ़ा था अशोक के टाइम पर, हमने क्या पढ़ा था कि पूरा जो अशोक का एम्पायर था, यहाँ पर बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया. Brahmins अपने आप को काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करते थे, एंड देन व्हेन दे केम, पूरा नॉर्थ इंडिया लगभग बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में था. ठीक है? विश्वमित्र, शुंग, कण्व, ये ब्राह्मणिज्म को रीइंट्रोड्यूस करना चाहते थे. कुछ रूलर्स भी, यस, इन्वेडर्स भी ब्राह्मणिज्म के फोर फोल्ड में कन्वर्ट हुए, बट जो ब्राह्मण्स इस रीजन में आए, इन्होंने यहाँ पर इन ट्राइब्स को ब्राह्मणाइज किया. क्या किया? ब्राह्मणाइज किया. इसीलिए सतवाहंस अपने आप को ब्राह्मण्स बोलते हैं. एक ब्राह्मण, ये टाइटल है जो कि एक ब्राह्मण, जो कि दिस टाइटल हैज बीन अडॉप्टेड by Mr. Gautami Putra Satkarni, the most popular, the most famous Satvahan ruler of Deccan India. They were the upholder of the dharmas. Okay, new divine attributes yahan par aa gaye. Divine theory of kingship. Yes, divine theory of kingship was established. They called himself as a descendants of Ram, Bhim, Keshav, Arjuna. Okay, Keshav means Lord Krishna. Why so? Because of the Brahmanism influence. Yes. Okay. Satvahans, they didn't evolve any type of administrative structure for themselves. They just carried on the same administrative structure that was of the Ashokan times. Yes. Simply, that was of the modern times. They were acquainted with that and they only carried forward that particular type of administration. Their empire was totally controlled under the control of a king. Centralized administration was there, not divided into provinces, but yes, some little districts they have been divided, and they were called as the districts. They were called as the Ahara. Okay, Ahara. Now, मेरे से अभी एक हमारे प्यारे बंधु ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर, it is important for the prelims or not? Okay, and अब ये एग्जाम में कभी नहीं आता गुरुजी, पहले पेपर एनालाइज करो. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो. ओनली यूपीएससी यू आर सेइंग एब्सोल्युटली करेक्ट. आई हैव एनालाइज्ड ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द पेपर्स आई हैव एनालाइज्ड. ठीक है? लेकिन बेटा, जो इस साल 4th ऑफ अक्टूबर 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो भी कभी नहीं आते थे उन टॉपिक से. घंटसाला, चौल, गुप्ता रूलर्स के टाइम के उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट स्टेशंस पूछ लिए. दे वर नॉट डेवलप्ड बाय देम, दे वर डेवलप्ड बाय दीस रूलर्स. यस, ड्यूरिंग दीस टाइम they have been developed. It was not given in any of the book, but they are in our paper. Yes, अब क्या कहोगे my dear friend? तो इसीलिए तो ये question, अगर ये term अगर हमको आता है अहर, ठीक है? Yes, ठीक है, है ना? अगर हमको ये term आता है अहर,
हमें पूछा जाता है एग्जाम में, सर व्हाट डू वी मीन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आता है पूछते हैं कि यस यार इस टर्म का मतलब, तो यस हमको ये ध्यान रखना है इट इज अ डिस्ट्रिक्ट अंडर द सतवाहन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके देखिए, तो यहां से हमको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। यूपीएससी बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाने का आजकल कोशिश कर रहा है, ठीक है। यस लास्ट ईयर, अभी इस बार के पेपर का एग्जाम्पल ले लो, इस बार के पेपर का एग्जाम्पल ले लो, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा लीक से हटके हैं, है ना। ये चीज, सर्टेन फ्यूडल ट्रेड्स वर देयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ये पार्ट। ओके ये चीज है ना, ये चीज है ना, अपॉइंटेड एज द प्रोविंशियल गवर्नर थे सेनापति, सेनापति वॉज अपॉइंटेड एज द प्रोविंशियल गवर्नर, तो सम ऑफ द प्रोविंशियल सिस्टम वॉज नॉट देयर, है ना ये पार्ट, है ना। एक टर्म और भूल गया, यस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरियाज वर प्लेस इन द हैंड्स ऑफ गोलमिका, यस अगेन डोंट फॉरगेट दिस टर्म, मैं इन टर्म्स को ही बता रहा हूं बस खाली, गोलमिका, ठीक है। यस इज वॉज द हेड ऑफ अ मिलिट्री रेजिमेंट, हेड ऑफ अ मिलिट्री रेजिमेंट, इट इज कॉल्ड एज द गोलमिका। ओके ये पार्ट। नाउ द सतवाहन्स दे स्टार्टेड ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस, द फर्स्ट पीपल, यस द फर्स्ट इन द हिस्ट्री, इन द फर्स्ट इन द हिस्ट्री हु गेव लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स, लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, फर्स्ट पर्सन, यस स्टार्टेड द प्रैक्टिस, कल्टिवेटेड फील्ड्स इन द विलेजेस दे वर ग्रांटेड टू देम एंड डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम द टैक्सेस। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट को जो भी लैंड दिया जाता था, अगर वो कल्टीवेटेड है तो उसे फ्री ऑफ टैक्स ये डिक्लेयर कर दिया जाता था। ओके ये पार्ट। सतवाहन किंगडम्स, फ्यूडेटरीज, इट वॉज अ फ्यूडल एम्पायर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया, तीन ग्रेड है, किंग, ठीक है, हाईएस्ट ग्रेड जिसको राइट है, देयर वाज कॉल्ड एज अ राजा, ही हैज अ राइट टू स्ट्राइक कॉइन्स, सेकेंड ग्रेड है महाभोज, महाभोज, ठीक है, और थर्ड ग्रेड है सेनापति, थर्ड ग्रेड है सेनापति। रिलीजन, मैंने पहले कहा आपको सतवाहन्स देवर द ब्राह्मण्स, सतवाहन्स देवर द ब्राह्मण्स, बिल्कुल देवर द ब्राह्मण्स, तो दे यूज्ड टू व्हाट, दे यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस सैक्रिफाइसेस, अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय, ऑल दीज यज्ञ, बट राजसूय यज्ञ दैट वाज नॉट परफॉर्मड बाय एनी ऑफ द सतवाहन रूलर्स, बट दे परफॉर्मड अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, व्हाट इज द अश्वमेध यज्ञ, है ना, अगेन रॉयल हॉर्स होता है और वो टेरिटरी को मेजर करता है, जहां जहां जिस टेरिटरी को वो जाता है वो टेरिटरी उस पर्टिकुलर किंग का हो जाता है जिसका वो हॉर्स है। ओके वाजपेयी यज्ञ, व्हाट इज दिस सैक्रिफाइस, दिस सैक्रिफाइस इज फॉर, दिस सैक्रिफाइस इज फॉर द रॉयल प्रिंसेस, दे वर्शिप लॉट्स ऑफ वैष्णव गॉड्स, कृष्णा एंड वासुदेव, डेक्कन इंडिया में, डेक्कन रीजन में वैष्णविज्म, वैष्णविज्म को इंट्रोड्यूस किया सतवाहंस ने, ओके सतवाहंस ने, बट दे ऑल्सो प्रमोटेड बुद्धिज्म, दे ऑल्सो प्रमोटेड बुद्धिज्म, स्पेशली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, नागार्जुन कोंडा इन अमरावती इन आंध्र प्रदेश, दे वर द इंपॉर्टेंट सीट्स ऑफ द बुद्धिज्म इन सतवाहंस, अमरावती, यस इन अमरावती, अमरावती आर्ट फ्लरिश्ड, अमरावती आर्ट फ्लरिश्ड, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, मैंने आपको बताया था ना, there were three school of architecture which flourished during this time period before the evolution of the Guptas, yeah, before the coming of the Guptas, kaun kaun se the, Gandhar school of art, sabse pehle Gandhar school of art, second Mathura school of art and third the Amravati school of art, hai na, and third Amravati school of art, theek hai, ye cheez, shortcut ho kya hota hai pata lag jayega hoga is baar tumhe, acha okay kya hua bhai, देखें जरा व्हाट हैपेंड भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई, इधर बाउंस करेगा तुम्हें, सर राम केशव अर्जुन भीम के आगे ये हिस्टोरियन मिथिकल क्यों लगाते हैं बेटा, मिथिकल इसलिए लगाते हैं बेटा, हिस्ट्री और माइथोलॉजी में सिर्फ एक हेयर लाइन का डिफरेंस है, अगर हमारे पास एविडेंसेस, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, मैंने जैसे कहा था स्टार्टिंग वेरी वेरी फर्स्ट लेक्चर कि अगर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और उनको सपोर्ट करते हुए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी अगर हमारे पास है उनके एग्जिस्टेंस के, तो हम उन्हें हिस्टोरिकल जो है पर्सन बोलते हैं, बाकी हम चीजों को ले जाते हैं मिथोलॉजिकल में, माइथोलॉजी यानी कि मिथ में, इसीलिए मिथिकल लगाते हैं, ठीक है, ये चीज, जिस दिन हमारे पास प्रूफ आ जाएगा, मिल जाएगा,
तो उस दिन हम भी उनको बोलेंगे कि ये भी हिस्टोरिकल थे। जैसे महाभारत को कहा जाता है जब समथिंग अराउंड 900 to 950 BC पीरियड में ये जो है इवेंट हुआ था, ठीक है, इन द नॉर्दर्न पार्ट कुरुक्षेत्र में, है ना। एक चीज दरअसल, व्हाई हिंदू पीपल डोंट ईट काउ व्हाइल वी लुक इन ऋग्वेदास दैट दे ऑल यूज काउ इन एवरी टाइम एज गिफ्ट और इन मेनी वेज। यस बेटा, लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम द काउ बिकम वेरी पायस, ठीक है, एंड यस दे डिस्कार्डेड द नॉन वेजिटेरियन हैबिट्स, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट ईट काउ। इवन द ब्राह्मण्स, इवन नॉट द हिंदूज, नाउ द हिंदूज दे यूज टू ईट द चिकन मटन एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, एक्सेप्ट द बीफ, ठीक है, बट नाउ द बट द वेरियस ब्राह्मण्स दे डोंट ईट इवन द चिकन एंड बीफ एंड ऑल, इवन दे डोंट ईट द एग्स ऑल्सो, है ना। सिर्फ हवा हवाई बताती नहीं करो, अच्छा हवाई बातें नहीं करो भाई, पढ़ा करो उस यूस लेवल और उस लेवल। ओके गुड सिंह, वेरी गुड, यस बेटा, है ना। चलो भाई ठीक है, वेरी गुड। नॉन वेजिटेरियन फूड देखा जाए तो यस इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन, क्योंकि वो सब प्रोटीन से ही तो बना होता है यार। कोई भी बॉडी है किसी की भी, उसमें प्रोटीन ही तो होता है ना। इट नो द एविडेंसेस वाज नॉट देयर बिकॉज काउ वाज नॉट देयर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द काउ वाज नॉट देयर, सो बीफ एविडेंस वाज आल्सो नॉट देयर, है ना। सर एंशियंट हिस्ट्री को पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी? बेटा एंशियंट हिस्ट्री को पूरी बुक पर अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए जो अपन पढ़ रहे हैं ना, यही सफिशियंट है, इसी को पढ़ लेना बस। और आर एस शर्मा अगर हो सके तो एक बार इन नोट्स के साथ में, इन लेक्चर्स के साथ में उस बुक को भी रीड कर लेना, ठीक है। हाँ बेटा आगे बढ़ रहे हैं अंग्रेज, बड़े डाउट सॉल्व कर ले सबके, है ना, क्योंकि ये ज्यादा कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं। सर वेयर इज हस्तिनापुर प्रेजेंटली लोकेटेड? मेरठ, मेरठ दिल्ली, मेरठ दिल्ली मेरठ रीजन। ओके नाउ, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर देवर द ग्रेट आर्किटेक्चर चैत्य, कार्ले चैत्य, भैया मैंने आपको बताया था ना आर्किटेक्चर में, कार्ले नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। कार्ले चैत्य हॉल दैट इज द प्रेयर हॉल, दैट इज द प्रेयर हॉल, ये यहाँ पर इन लोगों ने काफी ज्यादा डेवलप किया। और साथ ही साथ में विहार्स, विहार्स भी डेवलप की, दैट इज द रेसिडेंट प्लेस। बिहार का जनरली मॉन्क्स दे यूज बिहार्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, एंड दीज चैत एंड मोनेस्ट्रीज दे वर दी कट आउट फ्रॉम द सॉलिड रॉक, द रॉक कट केव्स, ठीक है, रॉक कट केव्स महाराष्ट्र में विद द ग्रेट स्किल, यस दिस दिस इज देयर, वी कैन सी दैट, ठीक है। अजंता एलोरा है ना, नासिक केव्स, ऑल दीज आर देयर, है ना, पांडव लेनी केव्स, है ना, हमने पढ़ा था नासिक केव्स जब हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें, दीज वर द बिल्ट बाय दी सतवाहन रूलर्स, ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल्स वर देयर। ओके नाउ थ्री देयर थ्री विहारास इन द नासिक्स, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, यस। यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर ऑल्सो फाउंड इन द कृष्णा एंड गोदावरी रीजन, यहाँ पर ये सारा। एंड नागार्जुनी कोंडा में द फर्स्ट बिग स्ट्रक्चर हमको मिलता है ऑफ द बुद्धिज्म, है ना, अमरावती एंड नागार्जुनी कोंडा, दिस इज द मोस्ट फेमस फॉर इरेक्टेड फ्रॉम द रिलिक्स ऑफ द बुद्धास, ठीक है, यहाँ पर स्तूप ये बनाया गया। एंड यहाँ पर हमको मिलता है ब्रिक स्ट्रक्चर, क्या मिलता है, ब्रिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बिल्कुल अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल ब्रिक टेम्पल्स हमको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। एंड इवन द ब्रिक्स वर ऑल्सो यूज इन द स्तूपास, ब्रिक्स वर ऑल्सो यूज इन द स्तूपास, ठीक है, ये पार्ट। लैंग्वेज प्राकृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, प्राकृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ देख सकते हो ये प्राकृत स्क्रिप्ट है ना, ये प्राकृत स्क्रिप्ट है, पाली इससे एक लैंग्वेज बन जाता है। ओके पाली ब्रह्मी इसे कहते हैं, ठीक है, यस। घट सतत घट सत्तसई, घट सत्तसई ये एक बुक लिखा गया है बाय द सतवाहन किंग, ठीक है, यस। और वो बुक एट्रीब्यूट होता है किंग हला को, किंग हला, इन्होंने ये बुक लिखी है लैंग्वेज के ऊपर। मटेरियल कल्चर काफी अच्छा है भैया डेक्कन रूरल का, बिकॉज इट इज अ फ्यूजन ऑफ द लोकल एलिमेंट्स एंड द नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स। हमको यहाँ पर मेगालिथ्स यानी कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिलते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर विद द यूज ऑफ आयरन एंड एग्रीकल्चर। ये जो लैंड है अगर हम जैसे देखें, इस लैंड में ये लोग रिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर तीन बड़े बड़े रिवर है, नर्मदा रिवर इज देयर, देन गोदावरी इज देयर, गोदावरी के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं, कृष्णा, कृष्णा के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, और एलुवियल सॉइल भी अवेलेबल है, फर्टाइल है,
ठीक है, दो द सॉइल इट सेल्फ, सिर्फ रिवर वैलीज में एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, बाकी सब जगह पर क्या प्रेजेंट है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल बहुत गया, ठीक है। और ब्लैक सॉइल की क्या खासियत होती है, मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी। हालांकि इन लोगों को नहीं पता था ऐसा कुछ है, उनके लिए तो बूम था ये, है ना। यस, दे स्टार्टेड ग्रोइंग द कॉटन, ठीक है, और उसमें ट्रेड शुरू कर दिया। क्या हुआ, ट्रेड शुरू कर दिया। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, दैट इज रिगार्डेड एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया अभी भी, और वो उसी टाइम से है। यस, उस रीजन में रेनफॉल भी काफी ज्यादा होती है और राइस का प्रोडक्शन भी काफी अच्छा होता है, ठीक है। सतवाहन्स, दे हैव एक्सप्लॉइटेड करीमनगर और वारंगल, ये आयरन ओर फील्ड है यहाँ पर, यहाँ से आयरन ओर को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, एंड दे मेड वेरियस आयरन इम्प्लीमेंट्स फॉर द एग्रीकल्चर एज वेल एज फॉर द वॉरफेयर। दे वर द फर्स्ट टू यूज द गोल्ड एज अ बुलियन, दे वर द फर्स्ट यूज गोल्ड एज अ बुलियन, बट नॉट इश्यूड द गोल्ड पॉइंट्स, बट नॉट इश्यूड द गोल्ड पॉइंट्स। यस, सतवाहन्स के हमको पॉइंट्स किसके मिलते हैं, लेड के मिलते हैं, किसके मिलते हैं, लेड के, लेड। ओनली रूलर हु इश्यूड द कॉइन्स ऑफ लेड, पोटिन, कॉपर, ब्रोंज मनी, दे इश्यूड, ठीक है, दे इश्यूड, ओके। यहाँ पर पैडी ट्रांसप्लांटेशन, ये प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, इट्स कॉल्ड द ग्रेट राइस बॉल, मैंने बता ही दिया। दे ऑल्सो प्रोड्यूस कॉटन, ये भी मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल। यस, यू, यस, बिल्कुल अनुराग, कॉटन सॉइल इज वेरी मच गुड बिकॉज कॉटन नीड्स मॉइस्चर। कॉटन के लिए चाहिए हमको ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, हमको चाहिए ह्यूमिड क्लाइमेट। अगर हमको ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगा, जस्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कॉटन का एक ऐसा एक रफली एक बॉल लेना और उसको धूप में रख देना फॉर द टाइम, थोड़े टाइम के लिए, जैसे इसका पूरा मॉइस्चर उड़ जाएगा, इसमें सिर्फ आपको छोटे 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 थ्रेड मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो बेसिकली फाइबर होते हैं, सेल्यूलोज फाइबर होते हैं, ठीक है, कॉटन में सेल्यूलोज फाइबर प्लस मॉइस्चर, ये चीजें, ठीक है, ये सेल्यूलोज फाइबर रह जाएगा बस खाली, बाकी पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा, ये चीज, ओके। सब्सटेंशियल पार्ट, ये एडवांस रूरल इकोनॉमी था यहाँ पर। दे हैड अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट, दे हैड अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट विद द नॉर्थ पीपल, नॉर्दर्न पीपल, नॉर्दर्न इंडिया से जितने भी लोग आए वो अपने साथ में लाए बर्न ब्रेक्स, रिंग वेल्स, एवरीथिंग दे ब्रॉट विद देम, ठीक है। और महाराष्ट्र में पहली बार टाउन बिल्डिंग प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया, न्यूमरस रोमन्स एंड द सतवाहन कॉइंस इस रीजन में हमको मिलते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भैया ये चीज हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, इन शॉर्ट इन ब्रीफ में, क्या थोड़ा सा एक्सपैंड करके पढ़ेंगे। यहाँ पर ब्राह्मणाइज्ड किया गया, मैंने आपको पहले ही बताया था, सतवाहन्स ओरिजिनली दे वर द डेक्कन ट्राइब एंड दे वर ब्राह्मणाइज्ड एंड दस दे केम टू बी द ब्राह्मण्स। फेमस किंग्स गौतमीपुत्र सत्कर्णी, दे डिस्क्राइब देमसेल्फ एज अ ब्राह्मण, यस, एक ब्राह्मण, ये लिया। फोर फोल्ड डिविजन, चार वर्ण में पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया, यस, फोर वर्ण, फोर वर्ण, यस, यहाँ पर डिविजन किया गया। यहाँ पर क्षत्रिय ब्राह्मण, यस, क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य शूद्र, इस तरीके से डिविजन नहीं है सोसाइटी का। क्या है डिविजन, सबसे पहले रहेंगे महारथीज, महासेनापति, यानी कि किंग, ठीक है। सेकेंड क्लास में ऑफिशियल्स आते हैं। फर्स्ट वर्ण में क्या है, फर्स्ट वर्ण में यहां पर क्या है, किंग, ठीक है। सेकेंड वर्ण में क्या है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं। थर्ड वर्ण में क्या है, ठीक है, थर्ड वर्ण में है फिजिशियंस, वैद्य या प्रोफेशनल्स, वी कैन से दैट प्रोफेशनल्स, ठीक है। और फोर्थ वर्ण में है जो मीनियल वर्क करते हैं, ठीक है, यस, जैसे गार्डनर हो गया, ठीक है, जैसे गार्डनर है, चैरियट मेकर है, ये तरीके से। तो ये चार प्रोफेशन के बेस पर हुआ ना सर, वर्ण सिस्टम जो है ये किसके ऊपर हुआ, ये प्रोफेशन के बेस पर हुआ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये और जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फीचर डेवलप होता चला गया, ठीक है, इस ब्राह्मणिकल सोसाइटी में ये सब डेवलप हो गए, ओके, एब्जॉर्ब हो गए। इंडिजीनियसली जो ट्राइबल है, कल्चर टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, क्यों, क्योंकि जो इंडिजीनियस पीपल थे देवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोक, काफी ज्यादा लैंड ग्रांट्स वहां पर मिले हैं हमको, ये उनके एविडेंसेस भी हमारे पास हैं ढेर सारे, ठीक है, स्पेशली द नासिक इंस्क्रिप्शन एंड द नानाघाट इंस्क्रिप्शन ऑफ द पुणे, ठीक है, ये चीज। नाउ द सतवाहन्स, ये मैंने आपको बताया दिया, देवर द फर्स्ट रूलर्स टू मेक लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स, ओके, एंड बुद्धिस्ट मॉन्क को भी ऐसे दिए गए थे। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंगली फंक्शन ऑफ द क्षत्रिय रूल, बिल्कुल, बट सतवाहन्स दे कॉल्ड देमसेल्फ एज ब्राह्मण्स, ठीक है, ये चीज। क्राफ्ट एंड कॉमर्स, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, आर्टिसंस मर्चेंट्स दे केम टू दिस रीजन एंड द टाउन्स फ्लरिश्ड इन दिस रीजन, एंड द टाउन्स फ्लरिश्ड इन रीजन,
कल्याण बॉम्बे में है, ये कल्याण है ना, बॉम्बे सिटी में आता है. इट वॉज द मोस्ट फेमस पोर्ट एट दैट टाइम. दिस पोर्ट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सातवाहन्स. ओके, दिस रीजन है ना, पाकिस्तान और द पैठान, ये आज का जो पैठान जो है, ठीक है, इट इज इन महाराष्ट्र औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में. ये इट वॉज द कैपिटल ऑफ द सातवाहन रूलर्स. ठीक है, एंड जो आर्टिसंस थे, गंधिकास कहा जाता है इनको, जिनको परफ्यूमर्स बोला जाता है, ये परफ्यूम बनाते थे. ठीक है, यस, ठीक है. बाद में गंधिका जो है सेवरल शॉपकीपर्स को ये देना शुरू कर दिया नाम. ठीक है, ये मैंने क्या कहा आपको, मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर है. इट वाज अ मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द किंग. ठीक है, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ये इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये पार्ट. अरे भाई क्या हुआ भाई, ओनली यूपीएससी और सिंह, क्या हुआ भाई, क्यों लड़ रहे हो मेरे दोस्तों, लड़ाई झगड़ा किस बात पर कर रहे हो भाई. डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स हियर, है ना. सिंह बेटा कंसेंट्रेट करो, है ना. सिविल वॉर नहीं बेटा, डोंट फाइट, डोंट फाइट. ओके, लड़ो मत. चलो भाई ठीक है, ये चीज गौतमी पुत्र सत करनी, ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं टाइटल्स. यस, मदर इंजॉयड अ ग्रेट डील ऑफ इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस रूल, यानी कि मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर है ये एकमात्र. यस, इट इज द ओनली, इंडस वैली के बाद में दिस वाज द ओनली सोशल स्ट्रक्चर जहां पर मैट्रिलिनियल हमको सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिला है. ठीक है, इस मदर को ज्यादा प्रोमिनेंस प्रोमिनेंस दी गई, बाकी सब जगह तो पैट्रियार्कल सोसाइटी ही हमको देखने को मिली है. मीन्स जो मेल फिगर है वही हेड होता है, जो भी मेल फिगर है वही हेड होता है. ठीक है, चाहे वो एम्पायर हो, चाहे वो घर हो, चाहे कुछ भी हो. ठीक है, ये चीज यहाँ पर फीमेल्स को भी, यस मदर्स को काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दी गई है. ठीक है, इन द सातवाहन रूलिंग फैमिली, ये भी पैट्रियार्कल ही है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि सक्सेशन जो थ्रोन पर होता है वो सिर्फ मेल मेंबर को मिलता है, लेकिन ये जितने भी मेल मेंबर है ओ देयर ओबीडियंस मोस्टली टू देयर मदर्स. यस, वो उनके नाम से मालूम पड़ जाता है. ठीक है, तो वही भाई, ये अपना खत्म हुआ. अब हम आते हैं हमारी लाइव क्विज के सेक्शन पर, जो हम आज करने वाले हैं, है ना. ये चीज है ना, आप लोग लड़ते ही रहो बेटा, ये चीज गलत बात है, दिस इज नॉट गुड डन. ठीक है, ये एक्ट अच्छा नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दिस इज नॉट अ गुड एक्ट. ठीक है, तो चलो भाई हम लोग हमारा क्विज करते हैं, है ना. चलो सर, डू वी नीड टू मेक सेपरेट नोट्स और वी कैन मार्क दीज नोट्स इन बुक. आ, यू कैन मार्क दीज नोट्स इन बुक इटसेल्फ, यस, नो नीड टू मेक द सेपरेट नोट्स. आप और उसके बाद करना चाहो तो बना भी सकते हो. ठीक है ना, बना भी सकते हो, है ना, नोट्स बनाना चाहो तो बना भी सकते हो. ठीक है, यस मनप्रीत, बिल्कुल, मेरठ के आसपास का जो एरिया है दैट इज द हस्तनापुर, मॉडर्न डे हस्तिनापुर, ओ सॉरी, मॉडर्न डे मेरठ वॉज द हस्तिनापुर, है ना. कुरु, कुरु महाजनपद वॉज देयर, है ना. यस, कुरु कौरवास, वहीं से कौरव जो वर्ड है, कौरवास जो वर्ड है, ये वहीं से इमर्ज हुआ, है ना. चलो कोई नहीं कोई नहीं, है ना, कोई नहीं कोई नहीं. सर बता दीजिए ना, थो का सही मतलब क्या है. हाँ, थो मतलब व्हाट द मीन्स द वर्ड थो, वो क्या होता है यार. सर वेयर डू दे गेट गोल्ड टू मेक बिलियंस, इफ गोल्ड इज अवेलेबल टू मेक बिलियंस व्हाई दे डोंट नो, व्हाई डू दे मेक लेड कॉइंस. बेटा दे गॉट गोल्ड फ्रॉम द कोलार गोल्ड माइंस, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ओके, फ्रॉम द कर्नाटका रीजन, बिकॉज दे बिकेम द रूलर ऑफ दैट पार्ट, एंड इन दैट रीजन, यस इन दैट रीजन दे यूज्ड, देयर गोल्ड वाज अ वेरी प्रेशियस मेटल, सो दे प्रिजर्व्ड इट, they preserved in the form of the bullions, ठीक है, and it was used in the large trades and for the local circulation they made the lead coins, okay, especially for the local circulations, ठीक है, yes, bullion मतलब बड़ी-बड़ी सिल्लियां होती हैं, जैसे बिस्कुट होता है ना, सोने का बिस्कुट,
सुने हो ना, पिक्चरों में भी देखते होगे, पुरानी पिक्चरों में दिखा जाता हो। पीडीएफ मिलेगी त्रिशा, त्रिशा बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी इसका, एंड पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, अनअकैडमी अंडरस्कोर अमित मोदी, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, अनअकैडमी अंडरस्कोर अमित मोदी, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब कर लेना, रात तक आप सबको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, हमारा लाइव क्विज का ये सेशन है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने आई थिंक अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करके रखा ही होगा, है ना, डाउनलोड करके रखा ही होगा, है ना। तो जिसने नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लो भाई, जिसने नहीं किया है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है, जिसने नहीं किया है वो डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, 2 मिनट लगेंगे डाउनलोड होने में, फटाफट से डाउनलोड हो जाएगा, या ऐप स्टोर से अगर आप जो है ऐप स्टोर आईफोन यूज कर रहे हो तो, है ना। यस भैया, ओनली यूपीएससी एंड सिंह भैया, आप दोनों की प्रेजेंस चाहिए मेरे को इस टेस्ट में, ठीक है। यस हाँ, अरे वाह क्या बात है अनुराग, हर मूवी में दिखता है यार, सोने के बिस्कुट, है ना। यस, स्मगलर ऐसे ही करते थे, यस, पुरानी जितने भी मूवीज है उनमें सोने के बिस्कुट ही चलते थे, एंड दोज आर कॉल्ड एज द बुलियंस, है ना, उनको बुलियंस कहा जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर लोगे, यस, आप सुन रहे हो मेरी बात, सिंह सिंह दंगेर एंड मिस्टर ओनली यूपीएससी, प्लीज आप दोनों ज्वाइन कीजिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, अरे अनुराग तुम कहाँ जा रहे हो बिना टेस्ट दिए, है ना। यस, अगर आपने इंस्टॉल कर ली हो ऐप तो आप देखोगे कि यहाँ पर एकदम बॉटम में, ऐप इंस्टॉल करने के बाद एकदम बॉटम में आपके टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करो टेस्ट के ऑप्शन पर, है ना। जैसे ही टेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे ज्वाइन क्विज ये पेज खुल जाएगा, वहां पर दिखेगा आपको ज्वाइन क्विज, ज्वाइन क्विज पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, है ना, आपसे एक ये 6 डिजिट का आईडी पूछेगा, ये आईडी मैं दे रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, ये आईडी 6 डिजिट का मैं दे रहा हूँ आपको, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टेस्ट करने वाले हैं ये चीज, ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन करो, है ना। यस ट्वेंटी क्वेश्चंस होंगे हमारे इस टेस्ट में, ठीक है, ज्यादा नहीं होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, और हर टेस्ट को हम लोग 40 सेकेंड्स का टाइम देंगे, हर क्वेश्चन को हम लोग 40 सेकेंड्स का टाइम देंगे, ठीक है, ये चीज। और ये मैंने क्विज को, एक मिनट, ये मैंने क्विज कर दी क्रिएट, ठीक है, और ये आ गया आपका कोड, अरे ये आ गया आपका कोड 9 8 3 7 5 3, ठीक है, ये आ गया आपका कोड, और ये आ गए हम हमारे स्क्रीन पर, ठीक है, ये आ गया कोड और ये आ गए हमारी स्क्रीन, तो आ जाओ भाई फटाफट से ज्वाइन कर लो। यस 9 8 3 7 5 3, दिस इज द कोड, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ना। ओके यस मंगल, वेरी गुड, फटाफट से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, फटाफट से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। हाँ आदित्य, मुझे पता है पीडीएफ नहीं आया अभी तक, और ये मैंने डेलिबरेटली नहीं भेजा है अभी तक, है ना, मैं अब भेजूंगा, आप लोग 2 3 बार, आप क्या करोगे, आप उसी को याद कर लोगे, है ना, वो मजा नहीं आएगा, आप 2 3 बार लेक्चर देखो अपना, बुक बेसिक बुक से रीड करो, फिर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यस पहला सवाल वे 1000 के लिए, बिल्कुल केबीसी केबीसी खेलते हैं, चलो बहुत अच्छे। यस 8 लोगों ने ज्वाइन किया है, हम लोग ठीक 3 मिनट के बाद में ये ज्वाइन कर, सॉरी हम ये क्विज स्टार्ट कर देंगे। यस आ जाओ 10:30 बजे भी हम लोग केबीसी खेलेंगे, 10:30 पर केबीसी स्टार्ट होता है ना टीवी पर, अपना भी 10:30 पर केबीसी, कौन बनेगा कलेक्टर, है ना। टेस्ट कॉलम पे बेटा क्लिक करना है सिंह, जो टेस्ट का ऑप्शन है ना, कॉलम नहीं है, आपने जैसे ऐप डाउनलोड किया है तो सबसे बॉटम में आपको टेस्ट का एक फीचर दिखेगा, यहाँ पर ये पेज आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो आप, है ना, कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, नीचे आपको टेस्ट दिखेगा, उस टेस्ट पर क्लिक करो तो ये पेज खुल जाएगा, ज्वाइन क्विज करो, ये आईडी डालो, आप क्विज को ज्वाइन कर लोगे, ठीक है ना। यस बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, 9 लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है, और हमारा वीडियो देख रहे हैं 47,
आई थिंक ओनली यूपीएससी आ गए होंगे, है ना, ओनली यूपी 10 लोग हो गया, है ना, आई थिंक ओनली यूपीएससी हमारे आ गए होंगे अभी, है ना। यस आदित्य भैया, आई थिंक ज्वाइन कर लिया आपने, मंगल, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात, निशान सिंह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस 2 मिनट और रुक जा, है ना, फटाफट से अपने और दोस्तों को बोलो, वो भी ज्वाइन करेंगे, और 2 मिनट में हम लोग ये क्विज स्टार्ट करते हैं, है ना। विद इन 2 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस। बिल्कुल बेटा, सब बनेंगे, सब बनेंगे, सब पढ़ेंगे। यूपीएससी बहुत आसान पेपर है, बस थोड़ा समझने की देर होती है बेटा इसको, पेशेंस के साथ, बिल्कुल धैर्य के साथ इसको पढ़ना होता है, समझना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओनली यूपीएससी में, आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल, बंच स्टार्ट कर रहे हैं, 2 मिनट रुको, बाकी अपने फ्रेंड्स और आ जाए, है ना, बिल्कुल, बस 2 मिनट, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओनली यूपीएससी हम लोग आपको बस इतना बताना चाहेंगे बेटा। हाँ बेटा त्रिषा, हम वेट कर रहे हैं, 1 मिनट है हमारे पास, वेट कर रहे हैं, ठीक है। ओनली यूपीएससी, हम एक चीज बताना चाहेंगे, यूपीएससी है बेटा, जीएस का सिलेबस जो है काफी ज्यादा वास्ट होता है, ठीक है। आप पेपर एनालाइज करके आप उसको नहीं बता सकते कि अगले साल वही कुछ पूछा जाने वाला है, बिल्कुल यही तो यूपीएससी की खासियत है, वरना हर कोई नहीं पास कर लेगा प्रीलिम्स को। कट ऑफ फिर 55 क्वेश्चन कितने अटक जाता है आउट ऑफ 100, ये कट ऑफ 80-90 पर जाना चाहिए, है ना बेटा। वो 20 सेकेंड्स का लैग होता है, यस, वीडियो में 20 सेकेंड्स का लैग होता है यहाँ पर यूट्यूब पर, है ना। निशान सर, मैंने इस साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, ओके वेरी गुड, और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप कर सकते हो, वो विद 2 ईयर प्लान, बिल्कुल 2 ईयर का प्लान ऑफ करो फटाफट से, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्यों, क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे पहले सेल्फ स्टडी करते हैं, बाद में कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है। पर मेरा सिस्टम दूसरा है बेटा, आप पहले क्लासेस ज्वाइन करो, उससे क्या होगा कि आपको एक फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगी, आपको ये मालूम पड़ेगा कि क्या नहीं पढ़ना है, बस फिर आगे के 2 साल आपको उसी चीज को रिफाइन करना है, और पहली बार में अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना। तो चलो भाई क्विज स्टार्ट करते हैं, ये आया हमारा क्विज स्टार्ट का, मैंने बटन दबा दिया है, क्विज हुई स्टार्ट, ठीक है, यस ओके। ओहो मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, यस द फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, बिल्कुल बेटा इट्स गुड, ये पैशन काफी अच्छा है, जुनून चाहिए इस एग्जाम को क्रॉस करने के लिए बेटा, और पढ़ने में कभी भी पीछे नहीं हटना है ना। तो यस बेटा निशान, आप स्टार्ट करना चाहो, मैं सब सजेस्ट आपको यही करूंगा, गो विद द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी, घर बैठे और अपने ग्रेजुएशन के साथ आप धीरे धीरे हौले हौले पढ़ाई कर सकते हो, यस धीरे धीरे हौले हौले, ठीक है। एक दिन में सिर्फ 2 घंटे मैक्सिमम 2 आवर्स आपको डिवोट करना है, आप आराम से 2-3 साल में जो है इसे पढ़ के और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे। बहुत अच्छे, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, बहुत अच्छे। सिरसी आदित्य, शिवांश, वंश, दिशांत, सीक्रेट, प्रतिभा, स्वराधी, ऋषभ, केशव, क्या बात है केशव, मजा आ गया केशव, यस बहुत अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रीजन टू बिलीव दैट हरप्पन पीपल आर मोर सिविलाइज्ड। ओह देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, हरप्पन पीपल आर मोर सिविलाइज्ड, यूज ऑफ टूल्स इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग विद स्पेशलाइजेशन इन टेम्पल आर्किटेक्चर, स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल, एक्सटेंडेड ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या चीज देख के नहीं लगता है कि ये जो है सिविलाइज्ड नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट रीजन टू बिलीव दैट हरप्पन पीपल्स आर मोर सिविलाइज्ड। यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ अच्छा, आप 13 साल से पढ़ रहे हो, गुड वेरी गुड, तो भाई आओ ना क्विज में फटाफट से, ओके टीवी फटाफट से आओ क्विज में, आई थिंक 13 साल से पढ़ रहे हो तो अच्छा नॉलेज होगा आपको, बहुत अच्छे, कम ऑन आइए क्विज ज्वाइन करो, ओके टीवी। अरे प्लानिंग, अब देखो प्लानिंग और पढ़ाई में बहुत अंतर होता है मेरे डियर फ्रेंड, यस हम लोग सिर्फ प्लानिंग करते रह जाते हैं, है ना, और जो बच्चे पढ़ते हैं वो यूपीएससी क्लियर करके कलेक्टर बन के अपने घर में बैठ जाते हैं। बहुत अच्छे, 43 पीपल आर वॉचिंग द वीडियो, और ज्वाइन करने वाले सिर्फ 4-5 ही हैं यार, मजा नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो यार, यस कम ऑन। ज्वाइन कैसे करोगे, डाउनलोड करना अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने अपने मोबाइल फोन में, और उसके बाद जो स्टेप्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उन्हें फॉलो करो, नीचे दिया होगा टेस्ट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, फर्स्ट स्क्रीन जो आएगा
फिर उसके बाद ज्वाइन क्विज और कोड आपके सामने अवेलेबल है 983753। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन था ये बेटा, आपने क्लास में कईयों बार पढ़ा है। सौरदीप, वंश, दीशांत, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने सब पढ़ा है क्लास में। आप थोड़ा सा आप तो है रिवाइज करके नहीं आए हो, तो अच्छे से पढ़ो इसको। नीता, नो इट्स नॉट ओके सारा, गो आप वहां पर जाओ। अच्छा, आपको अपडेट करना है अनअकैडमी, तो अपडेट पे लगा दो बेटा, 2 मिनट में अपडेट हो जाएगा। स्टेइंग इन द प्रो नेटवर्क एरिया, ओके बेटा, आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन इतना इजीली तरीके से। ओके नीता, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप इन योर मोबाइल फोन, और उसके बाद आप ये जो स्टेप्स हैं स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं उन्हें आप फॉलो कर दीजिए, है ना। बहुत अच्छे प्रतिभा, बहुत अच्छे स्वरदीप, नीरज, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, है ना स्वरदीप। और ये तो आंसर ही नहीं दे रहे, इसका मतलब है ना 10 पे ही अटके हुए हैं अभी भी। यार भाई क्या कर रहे हो। द वर्ड डेनी सोवन इन सम टाइम मेंशन इन मीडिया इज रेफरेंस टू, डेनी सोवन, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। यस नीता, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप खाली इंस्टॉल करना है आपको आपके मोबाइल फोन में, और जैसे इंस्टॉल करोगे तो फर्स्ट होम स्क्रीन जैसे ही खुलेगा उसमें सबसे बॉटम में टेस्ट का ऑप्शन है, क्लिक दैट ऑप्शन, ज्वाइन द क्विज एंड बाय यूजिंग द कोड गिवन। ओके यस यस, ट्राई करो बेटा, है ना। आप जब तक आप ज्वाइन कर लोगे, अभी हम लोग 5th क्वेश्चन पर है, 7th क्वेश्चन तक आते आते आप ज्वाइन कर लोगे। सर आई एम गिविंग द आंसर बट इट्स शोइंग दैट आई हैव मिस्ड द क्वेश्चन। ओहो सौरदीप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है, दो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अनि दिशांत, वेल डन सिंह, वेल डन वेल डन। हिबा, कोड इज 983753, 983753 इज द कोड। आई डोंट नो सरादीप, इट माइट बी सम प्रॉब्लम, सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। आप तो अटेम्प्ट करो, है ना, आप अटेम्प्ट करो। ओके आप अटेम्प्ट करो। हिबा, कोड है 983753। मैंने अभी तो बोला मैं लिख देता हूं। यस यस आई हैव सीन सिंह, आई हैव सीन, आपने ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छे। चलो अब आंसर्स दो फटाफट फटाफट से, आंसर हर क्वेश्चन को करना, गलत तो सही की चिंता मत करना, इससे क्या होगा आपकी नॉलेज चेक होगी बस, और कुछ नहीं है। आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, और जहां पर गलत हो रहा है आंसर वो सब आपके पास अवेलेबल रहेगा, घर पे फिर से पढ़ना, फिर अगले टेस्ट में मिलेंगे हम लोग लाइव टेस्ट में, है ना, जिससे फिर हमारा परफॉर्म इससे ऐसे इंप्रूव होता है परफॉर्मेंस, बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। मेरे हिसाब से यूपीएससी, ओनली यूपीएससी नहीं आए हैं टेस्ट में, है ना, नहीं आए हैं टेस्ट में। है ना 10:30 पर भी अपना एक और सेशन है, सीरीज है एमसीक्यूज की, लेकिन वो ऐप के ऊपर ही है। अभी जैसे आपने ऐप आप इंस्टॉल कर लेना, आप बस फॉलो करना मेरी प्रोफाइल को और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सेलेक्टेड लास्ट, ये जो अभी 2019 का रिजल्ट आया है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड, हाईएस्ट रैंक इज रैंक 10, ठीक है, यस द रैंक 10 वो सेलेक्ट हुआ है। ओके ये चीज, लो रैंक्स भी बहुत सारे हैं इसमें, पर बेटा मैं आपको सिंपल एक बात कहूंगा, कुशल कुशल सिंह साहब, है ना, सेलेक्ट कोई भी हो सकता है। यस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वाला भी ना, जिसने नहीं लिया हो वो भी, दोनों के लिए जरूरी होता है पढ़ना, ठीक है, और अपने गाइड और अपने मेंटर की बातें मानना। सारा इट द क्विज ऑप्शन इज देयर इन द टेस्ट, यस आप देखो होम स्क्रीन पर आपको मिलेगा टेस्ट। ओके यू डू वन थिंग सारा, लीव इट एंड यू जस्ट गिव आंसर ओवर हियर, ठीक है, जब आपका नेटवर्क अच्छा आ जाए उस टाइम पर आप देखना, टेस्ट का ऑप्शन होगा यहाँ पर।
मैं वही बोल रहा हूँ कुशल, वही बोल रहा हूँ। रैंक 10 हाईएस्ट है, 10th रैंक इज द हाईएस्ट। ये बहुत लंबा लिस्ट है यार, इतने नाम याद भी नहीं रहते मेरे को। बहुत सारी रैंक्स हैं, बहुत सारी रैंक्स हैं। मैं तो आपको एक जनरल चीज बताएगी, जो पढ़ता है, जो अपने मेंटर्स की बातें मानता है, वही सेलेक्ट होता है यार। इंडिया में इतने ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं भाई, हर जगह से कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं पर हमारी जो सिलेक्शन से बेटा, रैंक 10 इज द हाईएस्ट, जेन्युइन, ये सब जेन्युइन रिजल्ट्स हैं। आप देख सकते हो अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर के। बहुत अच्छे, सीक्रेट, हनी, आदित्य, नीरज, कृषि, शिवांश, ऋषभ, प्रतिभा, बहुत अच्छे, वेल डन गाइस, वेल डन। वी आर ऑन द 10th क्वेश्चन राइट नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ ढोलावीरा। थैंक यू, थैंक यू कुशल, थैंक यू वेरी मच। हिबा, अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपने कोड भी पूछ लिया, आपने ज्वाइन भी कर ली क्विज, है ना, क्वेश्चन आ रहा होगा, अब उस पर राइट आंसर टिक करते चले जाओ बेटा, उस पर राइट आंसर टिक करते चले जाओ। ओके, व्हाई नॉट एनी से, अरे बहुत सारे सेशंस है बेटा, यस, रैंकर्स के बहुत सारे सेशंस हैं, बिल्कुल है, ऐप के ऊपर भी हैं, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर भी हैं, है ना, वेरियस सेशंस आर देयर। आपको लेकिन खोजना पड़ेंगे बेटा चैनल में जाके, ये बार नहीं आ रहा है बेटा। देखो, आपने जो पेज खुला होगा उसमें सबसे नीचे टेस्ट का ऑप्शन होगा, ये बार सबसे नीचे टेस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो, फिर ज्वाइन क्विज ये आएगा। ओके, फिर ज्वाइन क्विज पर आप क्लिक करो और फिर उसके बाद आप ये कोड डालो, ये कोड आपसे पूछेंगे, 983 983 753। अरे कुचल भैया, मैंने यही तो बोला, बहुत सारे सेशंस हैं, आपको सर्च करने पड़ेंगे चैनल्स में जा जाकर के। लॉट्स ऑफ सेशंस आर देयर विद द रैंकर्स, अनअकैडमी ऐप के ऊपर भी हैं ढेर सारे सेशंस है बेटा। वेल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रास रिलेटेड टू बुद्धा इंडिकेट्स टीचिंग एंड डिस्कशंस और इंटेलेक्चुअल डिबेट। वो क्या क्वेश्चन आया, ओके, कोई बात नहीं सोना दी, नो प्रॉब्लम, मिलते हैं 10:30 बजे, है ना, वी विल मीट एट 10:30 PM इन आवर एमसीक्यू सेशन। वेरी गुड, अरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चेल्फिक साइट्स बिलोंगिंग टू द इंडस सिस्टम। यस, बिलोंगिंग टू द इंडस सिस्टम। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। हिवांश, आज तो एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया। अरे बेटा, मैंने कहा ना बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छे अंकित, कृषि, बहुत अच्छे। रिगार्डिंग न्यूलिथिक एज, रिगार्डिंग न्यूलिथिक एज,
बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड नाइसली डन बहुत अच्छे यस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोधिसत्वास इन हीनयान बुद्धिज्म अ बोधिसत्वा इज एनी पर्सन हु इज ऑन पाथ टुवर्ड्स बुद्धाहुड बट हैज नॉट येट अटेन्ड इट Vajrapani is depicted as one of the three protective deities around Buddha. Other is Manjushri and Maitreya. Maitreya is regarded as the successor of Buddha. He is mentioned in Digha Nikaya of Vinaya Pitaka. देखने में लग रहा बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में बोधिसत्वास नहीं होते बस वन को एलिमिनेट करना था आंसर आ जाता देखा कितना टफ क्वेश्चन और कितना आसान सोल्यूशन यही है यूपीएससी दिस इज यूपीएससी इज व्हाट है ना विद रेफरेंस टू मत्स्यास वन ऑफ द अर्ली स्टेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मत्स्य एक महाजनपद था अरे अभी तो पढ़ा था अस्मक जब अस्मक है नहीं तो थ्री एलिमिनेट कर देते अस्मक के बारे में अभी तो बताया डेक्कन में मत्स्य कहाँ था जयपुर रीजन में कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हो यार सारा डोंट वरी बेटा है ना बिल्कुल नानी और नहीं बिल्कुल अभी बताते हैं आपको छोरा छोरी नहीं है बेटा चोरी चोरा इंसिडेंट है इट इज नॉट छोरा छोरी इंसिडेंट है ना इट इज चौरी चौरा इंसिडेंट क्योंकि नॉर्थ ऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर हुआ था एंड सारा डोंट टेक टेंशन बेटा नो प्रॉब्लम यू डू वन थिंग आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो अभी 10:30 पर बिल्कुल 30 मिनट्स के बाद में अपना एक क्विज का सेशन और है एमसीक्यू सेशन है ओवर इंडियन पॉलिटी आप वो अटेंड करो ठीक है अभी ये तो क्विज एंड हो गया ठीक है लिंक जो है इसका लिंक नहीं होता ये लाइव होता है बेटा तो इसलिए लिंक इसका हम नहीं भेज सकते आपको है ना आप जो अभी ग्रुप है जो चैनल है अनअकैडमी अंडरस्कोर अमित मोदी उसे सब्सक्राइब कर लो और हम वहां पर आके अभी भेज देते हैं आपको तो आप उसको अटेंड कर लेना सेशन को 10:30 PM वाले को ओके यू जस्ट अटेंड दैट 10:30 PM सेशन है ना एंड मिस्टर ननी योरनी चोरी चोरा इंसिडेंट इज द इंसिडेंट इन विच द 23 policemen were burnt alive in Gorakhpur district. Different between modern history and ancient history. Modern history is today's time from 1707 AD till present day. Ancient history is from 5 lakh BC period till 750 AD. The Guptas, Mauryas and all those things they are comes in the ancient time period. Yes, and the British English East India Company and all those comes in the modern time period, international movement, freedom struggle. Very good. The 19th question of the day. Yes. और हमको हमारा KBC भी मिल गया भाई हमको हमारा KBC भी मिल गया है ना Yes, ये जितने भी नाम हमको दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन पर ये सब हमारे KBCs हैं और ऐसा नहीं कि जिनके नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं वो KBCs नहीं है वो भी KBCs हैं बिल्कुल वो भी कलेक्टर बनने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा और वेरी गुड शाबाश क्या बात है ये बात ये हुई ना कुछ बात ये लर्नर्स ये देखो ये ऐसे ऐसे ढेर सारी चीजें हैं ये तो अभी अपन लोग ये क्विज यस सैंपल है ये तो ये प्लस का फीचर है जो आपको फ्री में मिल रहा है ना सब्सक्राइब करो सारे फीचर्स पाओ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे
और सबसे रीजनेबल है, सबसे रीजनेबल है आज की डेट में सबसे सस्ता ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इस अन अकेडमी, और बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टू द बेस्ट सिविल सर्विसेज फील्ड में कोई इसका तोड़ नहीं है, इवन नॉट इन द सिविल सर्विसेज, जॉब बाकी और फील्ड्स में भी आप देख सकते हो। सर मेरा एज 29 है, मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलो, ओके, लेकिन फिर मुझे यूपीएससी करना है, अभी बहुत कंफ्यूज हूँ सर जी। यार भाई इतना अच्छा पोस्ट पर हो यार, है ना, एमडी डॉक्टर हो, डॉन ऑफ मेडिसिन भी आप पढ़ रहे हो, ओके, तो इफ यू वांट टू गो विद द यूपीएससी यू कैन गो, यू हैव टू रीड हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है, आप कर सकते हो। ओके ओके टीवी, ओके, वेल डन, वेल डन दोस्तों, वेल डन। तो ये हमारा लीडर बोर्ड आया, ठीक है, यस, पर हम उसको स्क्रीन पर शेयर नहीं कर पाएंगे, ये हमारे सारे सब आज टॉपर्स हैं, ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन, ठीक है, आप लोगों ने काफी अच्छा साथ दिया, ये सेशन हमारा एंड होता है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं अभी भी कहूंगा आप में से जो बच्चे हम जैसे ओके टीवी, आपके पास आपका जो क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, आप अभी बहुत अच्छी पोजीशन पर हो बेटा, एमडी डॉक्टर हो, डॉन ऑफ मेडिसिन कर रहे हो, एंड इफ यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर आप जा सकते हो, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कंफ्यूज मत हो, पहले स्पेशल क्लासेस अटेंड करो, ठीक है, एंड देन गो विथ, कोई बात नहीं वंश, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब अच्छा अच्छा होगा, ठीक है, बस थोड़ा सा तुम्हारे कंसेप्ट तुम भूल गए हो, ब्रश अप करो, ठीक है, और अच्छा आ जाएगा, वेरी गुड निशांत, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है, कोई नहीं शिवांश, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आओ 10:30 बजे मिलते हैं हम लोग, 10:30, यस त्रिशा, 10:30 PM ऑन अवर एमसीक्यू सेशन एंड द स्पेशल क्लास, सो ओके टीवी, स्पेशल क्लासेस अटेंड करो, ठीक है, एंड देन यू गो विद द सब्सक्रिप्शन कोर्स, अभी भी आप कर सकते हो, यस यू हैव 7 months left with you and you can attempt in 2021. 7 months, ठीक है, 210 days ये आपके पास है, 7 months, 210 days, कोई बात नहीं, थैंक यू मेटाफॉर, ठीक है, 210 days, और अगर आप डेली 5 hours भी डिवोट करोगे तो यू हैव 1000 hours विथ यू, इजिली यू कैन क्रैक यूपीएससी, यस बेटा शिवांश, है ना, इजिली यू कैन क्रैक यूपीएससी, यस बेटा, 10:30 PM ऑन स्पेशल क्लास, यस स्पेशल सेशन ऑन दी अन अकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, यस अन अकेडमी अंडरस्कोर अमित मोदी, ये आप कर लो, है ना, यस, थैंक यू सिंह, थैंक यू वेरी मच, सो माय डियर फ्रेंड्स मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, और भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना, अमित मोदी ये कोड यूज करना मत भूलना, 10% डिस्काउंट के लिए और मेरी मेंटोरशिप के लिए, आप जैसे ही ये कोड यूज करोगे मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, है ना, ये चीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा बेटा, सब्सक्राइब करो, ये मेरा 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है बेटा, यस 2002 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी और उसके बाद से मैं इसी फील्ड में हूँ, अभी 2020 है, 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एक बार सब्सक्रिप्शन, एक बार कोचिंग हमको करनी है, ऑफलाइन कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा है यार, बहुत महंगे हैं यार आज की डेट में, 1.5 लाख, 2 लाख रुपीज, और वही चीज हमको 39,600 में मिल जा रही है आफ्टर डिस्काउंट फॉर द 1 ईयर कोर्स एंटायर, और इसमें अनलिमिटेड एक्सेस है, इससे सस्ता और कहीं नहीं मिलने वाला आपको, और क्वालिटी बेस्ट टू द बेस्ट टीचर्स हैं इस पर अवेलेबल, हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्टीज है, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का एक एक्सपर्टीज है यहाँ पर, जो ऑफलाइन में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये चीज तो सोचिएगा, देखिएगा, इससे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, सब्सक्रिप्शन जरूर परचेज करें, तो फीस बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा, है ना, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।